नमस्कार, आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। पूर्वी ने देखी प्रियसी की घिनौनी हरकत, वीर के साथ नहीं होने देना चाहती शादी। प्रियसी और अंजलि ने किया गंदा प्लान, क्या हो पाएगा ये प्लान सक्सेसफुल? वेल, यहाँ पर पूर्वी फिर से नई मुसीबत को ठीक करने में लग गई। यहाँ पूर्वी के हाथ लगी उसकी ही बहन की ऐसी हरकत जिसे देखकर उसके कान खड़े हो गए। उसकी बहन को मोहरा बनाया है अंजलि ने और करवाया ये काम। कुछ इस तरह से वीर को फंसाया है अपने जाल में प्रियसी ने और इसके बाद मजबूर कर रही है वो शादी करने को। ये सारी बातें जब पूर्वी को पता चलती है तो वो आग बबूला हो जाती है और जो प्रियसी ने वीर के साथ किया वो वीडियो वीरेंद्र को दिखाने की बात करती है और फोन लेकर मुखिया जी के पास निकलती है। इसके बाद प्रियसी जाकर बोलती है अंजलि को कि आपका फ़ोन दीदी के पास है और वो जा रही है मुखी जी को दिखाने। इसके बाद आपकी और मेरी असलियत जो है वो मुखी जी के सामने आ जाएगी, फिर क्या होगा वो आप देख लीजिएगा। फिर अंजलि वीरेंद्र के पास जाती है और उसे बहाने से कमरे से हटाती है और यहाँ पर जब दौड़ कर आती है पूर्वी तो देखते हैं यहाँ तो अंजलि है और फिर आ जाती है प्रियसी भी और फिर दोनों छीना झपटी करते हैं पूर्वी से फ़ोन को लेकर और फिर प्रियसी फ़ोन उठाकर फेंक देती है और वो फ़ोन टूट जाता है, साथ ही सारे सबूत मिट जाते हैं जिसे देख कर पूर्वी परेशान हो जाती है और प्रियसी अंजलि खुश हो जाते हैं। प्रियसी कहती है कि अब जा दिखा ले, कोई विश्वास नहीं करेगा तेरी बात का, और पूर्वी टूट जाती है, वो रोती है। फिर भी वो वीरेंद्र को बताती है लेकिन वीरेंद्र कहता है कैसी बात कर रही है अपनी बहन के बारे में। इसके बारे में वो वीर से पूछती है कि आप बताइए, आप मजबूरी में शादी कर रहे हैं ना जो आपके और प्रियसी के बीच हुआ। इसके बाद वीर कहता है कैसी बातें कर रही हैं पूर्वी जी, मैं प्यार करता हूँ प्रियसी से। इसके बाद पूर्वी परेशान होती है, पूर्वी कभी गलत का साथ नहीं देती है फिर चाहे उसकी सगी बहन ही क्यों ना हो। फिलहाल वो वीर को बचाएगी प्रियसी और अंजलि के इस जाल से, कैसे और कब ये आप आने वाले एपिसोड्स में देखेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही।